बीजक में सद्गुरु कबीर की एक साखी है, पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पवनहु ते उतावला, सो दोस्त कबीरन कीन। जो पानी से भी अत्यंत पतला है, धुआं से भी झीना है और हवा से भी अत्यधिक चंचल है, उससे दुनिया के लोगों ने मित्रता की है। क्या है वह? पानी से भी पतला है, धुआं से झीना है, हवा से उतावला चंचल है, वह है हमारा मन। मन की गति बहुत तेज है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा पानी, धुआं, हवा ये तो द्रव्य है, मन कोई ऐसा द्रव्य नहीं है। मन क्या है, कैसे बनता है? मन जो हम देखते हैं, सुनते हैं और इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, उनके संस्कार अंतःकरण में जो एकत्र होते जाते हैं, वही मन बन जाता है। जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं है और जिसका आपने कभी उपभोग नहीं किया है, उसके बारे में आपका कोई मन नहीं है। एक सरल उदाहरण ले लें, जो लोग इस आश्रम में पहले कभी नहीं आए थे, इसके बारे में सुने भी नहीं रहे होंगे, इस आश्रम के लिए उनका कोई मन नहीं था, क्या आकार है, क्या प्रकार है, कैसा है, कुछ है। यहाँ सुने होंगे तो एक कल्पना खड़ी हुई होगी, आए देखे रहे तो एक छाप बन गई, वो छाप मन बन गई। तो देखे सुने भोगे हुए के जो छाप अंतकरण पर पड़ती है, वही मन बन जाता है कालांतर में। अब फिर उन्हीं को बार 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 हम स्मरण करते रह जाते हैं, मन और पुष्ट होता चला जाता है। किसी चीज के बारे में जितना अधिक आप सोचेंगे, उतना ही मन पुष्ट होता जाएगा और चंचल होता जाएगा।
जिसके बारे में आप सोचना बंद कर देंगे, धीरे धीरे उसके बारे में मन कमजोर होता चला जाएगा। मन कोई स्थूल द्रव्य नहीं है, है लेकिन कोई ऐसा स्थूल द्रव्य नहीं है, लेकिन है काम की चीज। एक और उदाहरण समझ लें, सारे उदाहरण बातों को समझाने के लिए हुआ करते हैं। जैसे जमीन है, पेड़ है, सूर्य है, सूर्य उगता है, सूरज का प्रकाश फैलता है, जमीन पर पेड़ की छाया बन जाती है। वो छाया क्या है? जमीन तो पदार्थ है, पेड़ भी पदार्थ है, सूरज भी पदार्थ है, लेकिन छाया क्या है? छाया को न आप काट सकते हो, न पीट सकते हो, न मिटा सकते हो, न कुछ नहीं कर सकते छाया को, लेकिन छाया कितना आरामदायक होती है, गर्मी से परेशान बेहाल, किसी पेड़ की घनी छाया दिखाई पड़ती वहां जाते हैं, कितना विश्राम मिलता है। लेकिन वो छाया है क्या? कोई पदार्थ है छाया? कुछ नहीं छाया, प्रकाश, पेड़ और धरती, इन तीनों के संयोग से छाया बन गई है बस। छाया को कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व होता तो मिटाया नहीं जा सकता, छाया तो बनती बिगड़ती रहती है। ऐसे ही मन की दशा है, हम हैं, इंद्रियां हैं, पदार्थ हैं। जब हम पदार्थों को ग्रहण करते हैं किसी रूप में, तो उसकी छाप बनती है, अच्छी छाप भी बनती है, बुरी छाप भी बनती है। किसी आदमी को देखे तो आदमी को देख करके प्रीता की भी छाप बनती है और उदासीनता की या शत्रुता की भी छाप बनती है। बस वो मन बन गया उसका। तो देख सुन भोग करके ही मन बनता है, संस्कार पुष्ट होते गए, मन पुष्ट होता गया, और फिर जितना जितना उसमें प्रीता बढ़ती गई, जितना जितना उसका स्मरण होता चला गया, उतना उतना मन और पुष्ट और बलवान होता चला गया। फिर धीरे धीरे वो संस्कार इतने मजबूत बन जाते हैं कि लगता है वही बलवान है और हम कमजोर हैं। फिर कहते हैं साहब हमारा मन तो मानता नहीं, मन तो ठहरता नहीं है। मन ठहरता नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी आदत नहीं मिटती है, आसक्ति नहीं छूटती है, भोगों के प्रति जो प्रीता है ये घटती नहीं है, इसलिए मन नहीं मानता या मन नहीं ठहरता। अब मन तो बन गया है, अब ये भी समझना होगा कि बिना मन के कोई काम नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा की भावनाएं कहाँ खड़ी होती है? मन में। लेकिन
दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार निर्मोहता अनासक्ति। निष्कामता कहाँ खड़ी होती है, कहाँ पैदा होती है? मन से। उसी मन से काम उत्पन्न होता है, उसी मन से निष्कामता उत्पन्न होती है। हम जिधर लगाना चाहें मन को, मन अपने आप में कुछ नहीं, हमारी प्रेरणा पा करके मन काम करता है। बिना मन के क्रोध नहीं होगा तो बिना मन के क्षमा नहीं होगी। बिना मन के मोह नहीं होगा तो बिना मन के निर्मोहता भी नहीं बनेगी। मन ही कारण है। हम जिधर लगाएंगे, निश्चित है कि मन ही भवसागर बनाता है। भवसागर बाहर कहीं नहीं है। मन की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये इच्छाएं कामनाएं ही भवसागर है। इच्छा करी भवसागर, सदगुरु कबीर कहते हैं। इच्छा और कामना, तृष्णा, भोगों के प्रति जो आसक्ति है, यही भवसागर है। ये सब कहाँ से खड़े होते हैं? मन से। तो कह सकते हैं मन ही भवसागर है, या मन ही भवसागर बनाता है, लेकिन मन से ही भवसागर को पार भी किया जाता है। बिना मन के भवसागर पार नहीं कर सकते। बैराग किससे करोगे? बैराग भावना कहाँ खड़ी होगी? मन में खड़ी होगी। त्याग की भावना कहाँ खड़ी होगी? मन में खड़ी होगी। साधना किससे करोगे आप? मन से ही साधना करोगे। बिना मन के कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कहा गया है, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन रागात्मक संस्कारों की तरफ बहता है, दुनियादारी की तरफ बहता है, विषय भोगों में सुख की भावना पैदा होती है, तब मन बंधन का, भवसागर का कारण बन जाता है। और जब वही मन त्याग, वैराग, संयम, साधना की ओर लग जाता है, भोगों में दुख दृष्टि पैदा हो जाती है, तब मन मोक्ष का कारण बन जाता है। बिना मन के बंधन नहीं है और बिना मन के मोक्ष नहीं होगा। जैसे हम लगाते हैं मन को, जिस तरफ, उस तरफ से मन हमारे लिए सुख दुख का कारण बनता है। अब सोचें कि हम कहाँ लगा रहे हैं मन को। हम अधिकतम मन को लगाते हैं संसार की तरफ, तो बंधन का फिर कारण बनता जाएगा, दुख का कारण बनता चला जाएगा। रागात्मक चिंतन न करें, वासनात्मक चिंतन न करें, मोहात्मक या द्वेषात्मक वैरात्मक चिंतन न करें, तो मन बंधन क्यों बनाएगा? पहले सोचें कि मन चाहता क्या है। मन की दौड़ किसके लिए है, किस तरफ है? मन की दौड़ है सुख की तरफ। मन सुख चाहता है। कैसा सुख चाहता है? स्थायी सुख, शाश्वत सुख। मन की मांग है पूर्णता। तो मन जो सुख चाहता है, स्थायी सुख या पूर्णता चाहता है, उसके लिए हम मन को क्या दे रहे हैं? हर आदमी सुख पाने के लिए काम कर रहा है ना। दुख तो किसी को प्रिय नहीं है, सबको प्रिय सुख ही है।
तो सुख की तलाश आप कहाँ कर रहे हैं? मन को सुख पाने के लिए कहाँ आप लगा रहे हैं? भोगों में लगाते हैं, चाहे वो काम भोग हो, चाहे दृश्य का भोग हो, चाहे खाने पीने का भोग हो, चाहे देखने का भोग हो, चाहे वो मान सम्मान का भोग हो। कहना चाहिए सुख पाने के लिए हम बाहर से प्राणी और पदार्थों को पकड़ते हैं। हमारी समझ है कि सुख बाहर से मिलेगा और यही समझ दुख का कारण बनती है। मन को चाहिए स्थायी सुख, शाश्वत सुख। अब पहले ये सोचें, जिन भोगों में आप सुख मान रहे हैं, जिन प्राणी और पदार्थों में सुख मान रहे हैं, क्या वे भोग, वे प्राणी, वे पदार्थ स्थायी और शाश्वत हैं? सदा रहने वाले हैं, सदा आपका संबंध बना रहेगा? बड़ी आसानी से बात समझ में आ सकती है कि दुनिया का न तो कोई भोग स्थायी है, न कोई प्राणी स्थायी है, न कोई पदार्थ स्थायी है। कोई भोग, कोई पदार्थ, कोई प्राणी सदा रहने वाले नहीं हैं, सब के सब क्षणभंगुर हैं। तो क्षणभंगुर भोगों से, क्षणभंगुर प्राणी पदार्थों से मिलने वाला मतलब सुख क्षणभंगुर ही तो होगा, वो शाश्वत कैसे हो जाएगा? ये बात हम समझ नहीं पाते। चाहते हैं स्थायी सुख, पकड़ते हैं क्षणभंगुर पानी पदार्थों और भोगों को, तो दिशा ही हमारी गलत है। इसीलिए मन एक के बाद एक, एक के बाद एक भोगों में दौड़ता रहता है सुख पाने के लिए, क्योंकि उसकी मांग है पूर्णता। और हर भोग अपूर्ण है, हर प्राणी अपूर्ण है, हर पदार्थ अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है उसे पूर्णता मिलेगी कैसे? जो अपूर्ण होगा वो तो अपूर्णता ही देगा। मन के चंचल होने का कारण यही है, उसे स्थायी सुख ना मिल पाना। स्थायी सुख कहाँ है पता नहीं है। हमारी दृष्टि क्या है? साहब ने कहा है बीजक में, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाओ, जहाँ नहीं तहाँ आप भजाओ। जहाँ स्थायी सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है, जो प्राणी पदार्थ उसके कभी हो नहीं सकते, तहाँ तन मन लाओ। वहाँ आदमी तन मन को समर्पित कर रहा है। जहाँ न देख तहाँ आप भजाओ, जहाँ स्थायी सुख नहीं देखता, जो कभी अधिकार में हो नहीं सकता, वहाँ स्थायी सुख पाने के लिए, अधिकार में करने के लिए आदमी दौड़ा जा रहा है। और फिर इसलिए जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ शाश्वत सुख नहीं है, वहाँ आदमी ने सब सुख मान लिया, शाश्वत सुख मान लिया है। मन की चंचलता का, मन के भटकाव का कारण यही है। स्थायी सुख चाहिए तो स्थायी पदार्थों की खोज करिए। अब फिर एक बात और सोचें, भोगों की इच्छा होती है मन में, क्यों होती है? क्योंकि कभी आपने उसे ग्रहण किया है, उसमें सुख की लालसा है, और सुख की लालसा बना करके सुख पाने के लिए भोगों को पकड़ते हैं कि अमुक भोग की इच्छा हो रही है मन में,
ये भोग भोग लेंगे, ऐसा काम कर लेंगे तो इच्छा हमारी तृप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। रास्ता गलत, पहले ये समझिए वो इच्छा हुई कहाँ से, उसी भोग को भोगने से। और जब उसी भोग को भोगने से इच्छा हुई तो बार बार उसके भोग से इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी, तृप्त कैसे होगी। सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, जग सुख सब जही को मिले तबहु ने इच्छा पूर, जही उत्पत्ति तही से भई ताही मिले कस दूर। संसार के सारे भोग यदि किसी एक व्यक्ति को मिल जाए और उसकी इंद्रियां इतनी सबल हो जाए कि लगातार भोगों में लगी रह जाए तो भी इच्छा पूरी नहीं होने वाली, शांत नहीं होने वाली। क्यों? कि जही उत्पत्ति तही से भई, जिस इच्छा की उत्पत्ति उस भोग से हुई है उसी भोग को भोगने से इच्छा की तृप्ति कैसे होगी। दिशा गलत, इसीलिए मन चंचल बना है और इसीलिए मन हमारे दुख बंधन का कारण बना है। सही दिशा दें, सही जगह मन को लगाएं। स्थाई क्या है? शाश्वत, अपना आपा, हर व्यक्ति का अपना स्वरूप, अपना अस्तित्व, और वहां मन कभी जाता ही नहीं है, उसका कभी चिंतन करता ही नहीं है। सब सुख चाहिए तो सब सुख का साधन साहब ने बताया है, जो तू चाहे मुझको छाण सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। यदि तुम सब सुख चाहते हो तो जैसा मैं निष्काम हो गया हूं ऐसे तुम भी निष्काम हो जाओ और बाहर से सुख पाने की इच्छाओं को छोड़ दो। छाण सकल की आस, कुछ भी आशा मत रखो बाहर से पाने की, न भोग पाने की, न ईश्वर ब्रह्म परमात्मा पाने की। कुछ भी आशा रहेगी तो जितनी मात्रा में आशा होगी उतनी मात्रा में दुख होगा, उतनी मात्रा में तृष्णा होगी। निष्कामता में सब सुख है, अनासक्ति में सब सुख है, आत्मचिंतन में सब सुख है। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाए। सदगुरु कहते हैं कि जब तक दिल पर दिल नहीं होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। क्या दिल पर दिल है? हमारा दिल तो, हमारा मन तो भटक रहा है बाहर, एक से दूसरे, दूसरे पर तीसरे पर, सदैव कोई ना कोई भटक, पकड़ने की आदत। जितना आप पकड़ते जाओगे उतना आपका सुख घटता जाएगा। भ्रम ये होगा, होगा क्या, होता है, जितना हम पकड़ते जाएंगे हमारा सुख बढ़ता जाएगा। अब तक तो आपने पकड़ा है, बहुत कुछ को पकड़ा है, जो मिला है पकड़ते गए पकड़ते गए पकड़ते गए, कितना सुख बढ़ा आपका, तृष्णा बढ़ी, चिंता बढ़ी, भय बढ़ा, असंतोष बढ़ा, तनाव बढ़ा, सुख कितना बढ़ा, तृप्ति कितनी बढ़ी, संतोष कितना बढ़ा। पकड़ते तो गए, जितना पकड़ते जाएंगे, जितना पकड़ते जाएंगे उतना आप गुलाम बनते चले जाओगे, अपने बेचते चले जाओगे और चारों तरफ दुख से, चिंता से, भय से घिरते चले जाओगे। दुख चिंता भय से बचना चाहते हैं
तो पकड़ने की आदत छोड़िए। छोड़ना शुरू करें, छोड़ना मन से होगा। छोड़ने का मतलब मोह छोड़ना, राग छोड़ना, सुख पाने की जो भावना है उस भावना को छोड़ना, ये छोड़ना है। निर्वाह के लिए तो कुछ पकड़ना होगा, बिना कुछ पकड़े, बिना कुछ अपना माने न निर्वाह होगा न व्यवस्था होगी, वो अलग है, वो मजबूरी है। लेकिन जो मोह बना करके रखे हैं, आसक्ति, अधिकार की लालसा, इनका त्याग करें। जितनी लालसा आप छोड़ते जाएंगे अधिकार की, उतना देखेंगे आप धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा। अधिकार की जितनी अधिक लालसा होगी, बाहर से सुख पाने की लालसा होगी, मन उतना बलवान बनता चला जाएगा और चंचल बनता चला जाएगा। हम पकड़ना जानते हैं, मोह बनाना जानते हैं, मोह छोड़ना, मोह का त्याग करना नहीं जानते, इसीलिए दुख भोगते हैं और इसीलिए हमारा मन चंचल बना हुआ है। और एक प्रकार से ये भी देखें तो मन की चंचलता गलत नहीं है, आपका मन चंचल है, क्यों? ऊर्जावान है, अनेक संभावनाओं से भरा हुआ, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न, इसीलिए आप मनुष्य हैं। जानवरों का मन चंचल नहीं है, बहुत स्थूल मन है जानवरों में। क्या आप समझते हैं कि जानवरों में आगे बढ़ने की संभावना होगी? कोई ऊर्जा उनके मन में है? जानवरों के मन में ऊर्जा नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। आप मनुष्य हैं, ऊर्जावान मन से संपन्न, तमाम संभावनाओं से संपन्न मन के आप मालिक हैं, इसलिए आप मनुष्य हैं। यदि मन चंचल न होता, बिल्कुल स्थूल हो जाता, तो हम आप भी जानवर जैसे ही होते। मन चंचल है इसके लिए दुखद नहीं होना है, इसके लिए दुखी नहीं होना है। अच्छा, इस बीच में एक बात और, मन चंचल है क्यों? मन की चंचलता क्या है? जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना, ये मन की चंचलता है। उन बातों को क्यों सोचते हो आप, जिससे आपको बार बार दुख का अनुभव होता है, व्याकुलता होती है, मन में तनाव बढ़ता है, क्यों सोचते हैं? प्रेरणा तो आप दे रहे हो ना, निश्चयता की कमी तो आप में है। एक बार देख लिए, दो बार देख लिए, दस बार, पचास बार देख लिए कि इस बात के सोचने से नुकसान के अलावा फायदा कुछ नहीं है, फिर भी आप बार बार ही सोच रहे हो। और जितना सोचोगे उतना मन चंचल होगा, और जितना निगेटिव सोचते जाओगे मन उतना ऊर्जावान और होता चला जाएगा उस विषय के लिए। फिर घुमा घुमा करके उधर लेते चले जाएगा। तो जिस समय जिसकी आवश्यकता ना हो
उस समय वह सोचना मन की चंचलता है। क्यों? आपका उसमें सुख की निश्चयता है। भले आप कहते हो, आप उससे बंधे हुए हो राग बना करके, भले कहते हो कि अरे इसमें कुछ है नहीं भैया, निस्सार है, बेकार है, दुखद है, लेकिन अंदर ये भाव नहीं है, सुखद भावना है, रागात्मक भावना है, इसलिए मन बार बार सोच रहा है। सचमुच में दुख का निश्चय हो जाए तब कभी सोचोगे नहीं। जानते हैं आप, जहर पीने से मौत हो जाती है, सांप के काटने से मौत हो जाती है। जरा ख्याल करो, दिन भर में जहर की याद कितनी बात करते हो। क्या जहर देखे नहीं हो कभी? जहर के बारे में सुने नहीं हो कभी? आपने सुना नहीं है कि अमुक आदमी ने जहर खा लिया और जरा आत्महत्या कर ले, मर गए? कभी आपने सांप को देखा नहीं है क्या? कभी सुना नहीं है कि अमुक आदमी को सांप ने काटने मर गया? देखे हो, सुने हो, कितनी बार याद करते हो उसको। एक बार भी याद नहीं होती होगी। कोई चर्चा कर दे बात अलग है, नहीं तो दिन भर में क्या महीना महीना बीत जाता होगा, सांप की कभी यादें नहीं होती होगी, जहर कभी याद नहीं होती होगी। क्यों? समझ लिए ये भयंकर दुखद है। क्या भोगों के लिए बात है? जिनका जहां जहां मन दौड़ रहा है, क्या यही दुखद निश्चय आपके मन में है? वहां तो सुखद निश्चय है, तो मन तो वही बार बार दौड़ेगा। चंचलता का कारण यह है सुख की निश्चयता, सुख की भावना। सुख की निश्चयता आप करते हो और शिकायत करते हो कि मन तो मानता नहीं है। आप नहीं मार रहे हो, आप उसमें आनंद मार रहे हो, इसलिए मन को बार बार प्रेरित कर रहे हो। आपकी प्रेरणा के बिना मन चलेगा नहीं, मन के मालिक आप हो, मन मालिक नहीं है। ये बात जरूर है कि आपकी सत्ता पा करके मन बलवान बन गया है, मालिक जैसा बन गया है। भूल आपकी, आप शक्ति ना दो तो मन की अपनी कोई शक्ति नहीं है। मन तो बिल्कुल निस्तेज है, शक्ति आपकी है। आप शक्ति देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, और शक्ति पा पा करके, आपसे शक्ति पा करके वो बलवान बन गया है। और क्यों? शक्ति आपने किसके लिए दी? भोगों के लिए दी, राग रंग के लिए दी। तो जिसके लिए आप शक्ति दोगे उसी के लिए मन बलवान बनेगा। कभी आपने भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, संयम के लिए, दया क्षमा प्रेम के लिए शक्ति दिया मन को? इसको तो आप बेकार समझते हो और शिकायत करते हो कि मन तो रुकता नहीं साधना में। पहले ये समझिए कि साधना के लिए आपके मन में कितना प्रेम है। जितने मात्रा में साधना के लिए प्रेम होगा उतनी मात्रा में आपका मन उसमें लगेगा। हम बैठ गए तो मत समझ लेना कि हमारा मन साधना के लिए हो गया। बैठना अलग बात है और प्रेम अंदर से उत्कट भावना होना अलग बात है। कल्याण के लिए, दुखों छुटकारा के लिए जितनी तो उत्कट भावना होगी उतना उतना मन उसमें डूबता चला जाएगा। ये निश्चय है कि जहां आपका दृढ़ निश्चय हो जाएगा जिसके लिए, उसमें आपका मन लग जाएगा। एक तो गलत खुराक पा पा करके
मन की दिशा गलत हो गई है, संस्कार गलत हो गए हैं। दूसरी बात, सुख की जो निश्चयता संतारिकता के लिए है, वह निश्चयता कल्याण के लिए नहीं, साधना के लिए नहीं है। तो मन साधना में लगेगा कैसे, वो तो भागेगा बार बार। पहली बात तो उसका अभ्यास नहीं है। इधर बाद में हम लेंगे। तो मन चंचल क्यों है, चंचलता क्या है मन का, मन की जिस समय जिसकी आवश्यकता ना हो उस समय वह सोचना, यह मन की चंचलता है। जिस समय जिसकी आवश्यकता हो उसी को सोचो। ध्यान के लिए भी कहा जाता है, ध्यान है वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना। लेकिन हम वर्तमान में कहाँ जीते हैं, या तो भूत की याद करते रह जाते हैं या भविष्य की याद करते रह जाते हैं। ये भी कहा गया आपको कि करना कुछ नहीं है, सांस देखें। आपकी सांस न तो भूत होती है न भविष्य होती है, सांस सदैव वर्तमान होती है। सांस कभी भूत नहीं होगी और भविष्य भी नहीं होगी, सांस केवल वर्तमान होगी। केवल सांस में मन को लगा दें, वर्तमान में जिएंगे आप, बढ़िया, कोई दुख नहीं होगा उस समय। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, पुरानी आदत, उस आदत से हम मन को हटाना नहीं चाहते हैं। हटाना चाहते भी हैं तो वो तीव्र अभ्यास नहीं करते। जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना उतना मन रुकेगा और साथ साथ वैराग्य आ सकता होगी। बिना वैराग्य और अभ्यास के मन रुकेगा नहीं। अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधा, ये योग दर्शन में कहा गया है। गीता में भी यह बात कही गई है, अर्जुन ने कहा था कृष्ण से कि महाराज आप कहते हैं मन को रोको मन को रोको मन को रोको, ये मन रुकता कहाँ है। मन कहते आप मन को बस में करो, मन बस में कहाँ होता है, ये तो बहुत चंचल है। बड़े बड़े बलवानों को भी पछाड़ करके मत करके रख देता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ बलव दृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायो ऋषु दुष्करम। ए कृष्ण, मन ऐसा चंचल है, प्रमाथ बलव दृढ़, बड़े बड़े बलवानों को पछाड़ देता है। मैं तो ये मानता हूं कि मन को बस में करना उसी प्रकार कठिन है जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ करके रखना। अब हवा को मुट्ठी में पकड़ करके रख पाओगे, संभव ही नहीं है। जितनी तेजी से आप मुट्ठी बांधोगे हवा उतनी भाग जाएगी, पकड़ कर रख नहीं सकते। तब श्री कृष्ण ने कहा था असंयम महाबाहो, अर्जुन है अर्जुन निश्चित है मनोदुनिग्रहम चलम, मन को निग्रह करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यंत गृहयते। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों से मन शांत होगा। अभ्यास क्या है, किसी साधना की बार बार पुनरावृत्ति। आपका मन बार बार विषय चिंतन कर रहा है, उधर से आप बार बार ज्ञान का चिंतन करो। जितने बार मन भागे उतने बार आप सांस देखने का काम करो, ज्योति देखने का काम करो। और वैराग्य, वैराग्य है जो जो दुखद है, जहाँ जहाँ से हमने
दुख पाया है, उधर से मन को हटा लेना, उनका चिंतन छोड़ देना, स्मरण ही नहीं करना, उसका राग का छोड़ का त्याग कर देना। बैराग का मतलब घर छोड़ना नहीं है, बैराग का मतलब कपड़ा बदलना नहीं है, बैराग का मतलब किसी आश्रम में चले जाना नहीं है, इस सब की आवश्यकता है। लेकिन कोई घर छोड़ दिए, किसी आश्रम में चले गए, जंगल में चले गए, पर्वत गुफा में चले गए, कपड़ा बदल दिए, तो वैराग्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वैराग्य है देखे सुने भोगे हुए जो विषय हैं उनसे अनासक्ति, उनके प्रति पूर्ण दुख दृष्टि, बिना दुख दृष्टि हुए वैराग्य नहीं होगा। सुख दृष्टि ही अभी भोगों के प्रति कितना भी अभ्यास करें, मन रुकने का, मन नहीं रुकने वाला है, दोनों काम साथ साथ करना होगा, वैराग्य भी चाहिए और अभ्यास चाहिए। अभ्यास किसी एक साधना की बार बार पुनरावृत्ति, बार बार दोहराते जाना, दोहराते जाना, दोहराते जाना, ये अभ्यास है। और जहाँ जहाँ से दुख की अनुभूति हो रही है वहाँ से मन को हटा लेना वैराग्य है, सहज ढंग से कहें तब। तो जितना जितना वैराग्य बढ़ता जाएगा, भोगों के प्रति, संसारिकता के प्रति, राग रंग के प्रति, देहाभिमान के प्रति दूरदृष्टि बढ़ती जाएगी, अनासक्ति बढ़ती जाएगी, उतना उतना हमारा अभ्यास पुष्ट होता चला जाएगा। और जितना जितना अभ्यास पुष्ट होगा उतना उतना वैराग पुष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि मन एक समय में एक काम करता है, मन से आप एक समय में दो काम नहीं ले सकते। जब मन संसार में लगा है, संसार चिंतन में लगा है, तो आत्मचिंतन में कैसे लगेगा? आत्मचिंतन में लगा है मन तो संसार चिंतन का काम कैसे होगा? और मन लगता कहाँ है? जहां उसे सुख की अनुभूति होती है, जब सुख मानता है तो उधर दौड़ करके जाएगा। हमारी सुख की निश्चयता है भोगों के प्रति, संसारिकता के प्रति, तो मन उधर ही तो जाएगा। साधना के लिए, वैराग के लिए, कल्याण के लिए अभी उत्कंठा ही नहीं है, भावना ही नहीं है, तो मन लगेगा कैसे? कमी कमजोरी हमारी दोष देते हैं मन को। निश्चित है, पहले कहा गया कि त्याग भी मन से होगा और भोग भी मन से होगा, दोनों साधन मन बनेगा, लेकिन प्रेरणा देने वाले तो हम होंगे। कहाँ लगाना चाहते हैं मन को? भोगों के लिए लगाएंगे तो भोग की तरफ वो दौड़ता चला जाएगा। और आज तक हम अनादिकाल से आज तक हमने भोगों के लिए मन को लगाया है, उधर दौड़ाया है, तो वही उसी में ओतप्रोत हो गया है मन, भोगों संस्कार एकदम तरबतर हो गए हैं मन में, तो बार बार उधर दौड़ेगा वह, जिधर आदत बन जाएगी। अब उधर से मन हटाना है तो उसमें दुख दृष्टि करिए, बार बार दुख का निश्चय, दुख का चिंतन, दुख का चिंतन करते चले जाएं, और साधना वैराग्य संयम प्रति सुख का निश्चय करते चले जाएं। जितना का ये करेंगे उतना ही मन हटेगा। भोगों में दुख निश्चय भी मन से होगा और त्याग में सुख निश्चय भी मन से होगा, दोनों में मन तरफ लगेगा, प्रेरणा आप देंगे उसको। अब आप सोचें कि आपका क्या निश्चय है, भोगों में सुख निश्चय है या त्याग में सुख निश्चय है?
संसारिकता में सुख निश्चय है या कल्याण में सुख निश्चय है। जिधर मन को लगा दोगे मन वही काम करेगा, मालिक आप। निश्चय आपके हाथ में, चुनाव आपके हाथ में है। चाहे आप बंधन काम मन को लगाएंगे तो बड़ी खुशी से उधर लगेगा, उसकी आदत ही है। कल्याण काम में लगाएंगे तो थोड़ा बहुत शुरुआत में कुनमुन आएगा मन, लेकिन आप पर नहीं इधर लगना ही है तो उधर से लग जाएगा। तो मन काम की चीज है, मन के बिना कुछ नहीं होने वाला है, और जब तक जीवन है तब तक मन रहेगा। ये भी कहा जाता है मन को मारो, कबीर साहब ने कहा है मन वही कहो रहो मन मारे। मन को कह दो कि वो अपने आप को मार करके रखे। कहा जाता है साधक का काम है मन को मारना। क्या सचमुच में क्या मन को मारा जा सकता है? मन को मारना चाहिए। और मन को मारने का अर्थ क्या होता है? मन मर जाएगा ना तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ज्ञानी से ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुषों को भी मन से काम लेना पड़ता है। बिना मन के संसार का कुछ भी व्यवहार नहीं हो पाएगा। मन मर जाएगा तो क्या फिर तो जीवन मुक्त जीवन कैसे जीते हैं, फिर व्यवहार कैसे करते हैं? तो मन को मारने का अर्थ क्या है? मन को मारने का अर्थ है बुरी इच्छाओं का त्याग, बुरे संकल्पों का त्याग, बुरी स्मरणों का त्याग। नकारात्मक जो स्मरण है, रागात्मक जो स्मरण है, उनका त्याग करके मन को ज्ञानात्मक चिंतन में, विवेकात्मक चिंतन, वैराग्य चिंतन में लगा देना। मतलब संसारिकता से हटा करके जिस जिस चिंतन से मन चंचल होता है, उत्तेजित होता है, विकारी होता है, वासना में डूबता है, उन सारे चिंतनों को छोड़ देना, उन चिंतनों का त्याग कर देना। और फिर ज्ञान विवेक विचार संयम साधना आत्मचिंतन स्वरूप चिंतन, इसमें मन को लगा देना। मतलब यदि मन संसारिकता से बिल्कुल मर गया, मरने का मतलब रागात्मक जो चिंतन है, वासनात्मक चिंतन, विकारात्मक चिंतन, उधर से मन बिल्कुल हट गया और उसमें दुख पूरे उसमें पूरे पूरे दुख दृष्टि हो गई, समझ लो मन मर गया। यही मन को मरना का मारना है। और फिर ऐसा जो मरा हुआ संसारिकता से मरा हुआ मन अत्यंत बलवान हो जाता है, फिर उसी से काम बनेगा। जब तक संसारिकता से हटेगा नहीं, ये हटना ही मरना है और मरना कुछ नहीं है। पूरा पूरा मन मर गया तो कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। चलना फिरना उठना बैठना भी मन से ही होता है। अब बिना मन के आप करोगे कैसे काम? ये भी कह सकते हैं मन को मरने का अर्थ क्या है, रागात्मक जो संस्कार है, विषय वासनाओं के संस्कार, उनका ज्ञान वैराग्य द्वारा जल जाना। जैसे एक बीज है, उस बीज को हम जीवित बीज है एक प्रकार से कह सकते हैं, उस बीज को हम जब खेत में बोते हैं तो बीज अंकुरित होता है, धीरे धीरे एक पौधे का आकार लेता है, फिर उसमें से अनेक बीज पैदा हो जाते हैं। लेकिन उसी बीज को हम आग में थोड़ा सा सेंक दें, बीज का क्या घटा है?
आकार प्रकार कुछ भी अंतर नहीं आया है। बीज में जो शक्ति है, बीज में जो पौष्टिकता है, विटामिन है, प्रोटीन है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन आग में आपने सेंक दिया, क्या वो बीज अंकुरित होगा? उसमें तो और नए बीज पैदा होंगे। बस ऐसे ही करना है। मन मारने का अर्थ है मन को एक प्रकार से भून देना, भुना हुआ बीज, उसमें पूरी ताकत है, उसके ताकत में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही जब मन ज्ञान द्वारा पूरा का पूरा मंज गया, वैराग भाव में ढल गया, तो भुने हुए बीज के समान हो गया, उसमें अब अंकुरण की शक्ति नहीं रह गई। फिर वो मन आपको परेशान नहीं करेगा, वो मन तो आपको कल्याण धाम तक पहुंचा देगा। हम ये काम तो नहीं करते। तो मन को मारने का अर्थ है जितने भी रागात्मक चिंतन है, वासनात्मक चिंतन, उनका पूरी तरह से त्याग कर देना, और फिर ज्ञान में, विवेक में, आत्मचिंतन में उसको डुबा देना। तो भुने हुए बीज के समान हो गया, पूरा पूरा उसमें ऊर्जा पूरी पूरी है, वो और ऊर्जावान हो गया वह। इसी मन से काम लेना होगा। कल्याण मार्ग के जितने साधनाएं हैं सब मन से ही होना है, बिना मन के कुछ नहीं हो सकता। तो मन बहुत चंचल है, ये शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है मन को सही दिशा देने की, सही काम में लगाने की। और हम सही काम में नहीं लगाते हैं, जब लगाते हैं गलत काम में लगाते हैं। थोड़ा सा समय कभी बैठ गए, 10-5 मिनट, आधा घंटा, एक आध घंटा, कुछ ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लिए, अब बाकी जब समय जब काम करते हैं तब फिर वही राग में मोह में पढ़ करके, तो मन तो चंचल बना ही रहेगा। जो भी काम करना है, यदि आप चाहते हैं कि मन की चंचलता दूर हो, तो जो भी काम आप करते हैं राग मोह लोभ आसक्ति को छोड़ करके करें। बिहार के जितने भी काम हैं, जितने भी आपके कर्तव्य कर्म है, जिन्हें करना आपकी मजबूरी है, करें, करना पड़ेगा जीवन भर, लेकिन राग छोड़कर, मोह छोड़कर, आसक्ति छोड़कर, लोभ छोड़कर, सहज एक कर्तव्य भावना से निष्काम होकर के, अनासक्त होकर के करें, तब मैं आपको मन चंचल नहीं होगा। लेकिन हम जब करते हैं तब आसक्ति बना करके करते हैं, तमाम कामनाएं रख करके काम करते हैं, इच्छाएं रख करके काम करते हैं, तो मन को तो खुराक मिल ही रही है बराबर, उत्तेजना के लिए, चंचलता के लिए। इधर का समय हमने थोड़ा दिया, जो थोड़ा बहुत हम सत्संग का काम करते हैं, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, इसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। व्यवहार का काम करें सिर्फ निष्काम भाव से, कर्तव्य समझ करके करें, कोई लालसा ना रखें। जो जिस रूप में मिल जाए संतोष रखें। जब हर समय मन में संतोष भाव रहेगा, निष्कामता रहेगी, कोई लालसा रहेगी नहीं, तो मन को चंचल होने के लिए खुराक मिलेगी नहीं। फिर आपका मन बराबर ध्यान साधना में लगता चला जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तब तक जैसा आज चंचल बना वैसे चंचल बनाए रहेगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ आप कर रहे हो सब छोड़ दें, यदि छोड़ देंगे तो और बह जाना होगा। फिर तो करते रहें बराबर करते रहें, लेकिन ये भी समझ लें, जैसे बीच में वैराग की बात आई थी, ये भी समझ लें जब आजकल में सब कुछ को छोड़ करके जाना ही है तो राग बना करके क्यों जाऊं, मोह बना करके क्यों जाऊं, छोड़ना ही जब सब तो अभी रहते रहते इनका राग मोह छोड़ दूं, आसक्ति छोड़ दूं, आप देखेंगे आपका काम बढ़िया होगा, लेकिन मन कहीं फंसा नहीं रहेगा, उलझा नहीं रहेगा, चिंतित और भयभीत नहीं रहेगा। और जितना राग मोह बना करके काम करोगे उतना मन चिंतित भयभीत उलझा हुआ मन रहेगा। तो बात यह है कि मन देख सुन भोग करके बनता है, जिसके बारे में हमने न देखा है न सुना है न जिसे हमने भोगा है उसके बारे में हमारा कोई मन नहीं बनता है। मन देखे सुने भोगे हुए के संस्कारों का समुच्चय है, और जितना जितना हम सुख मान करके भोगते चले जाते हैं, देखते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं, उतना मन और बलवान बनता चला जाता है, चंचल बनता चला जाता है, उधर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, आदत बनती चली जाती है, इसलिए वो संसार की तरफ बढ़ता है। संसारी तक खुराक मिली उसे, आज तक भोगों खुराक मिली है, इसलिए उधर वो चंचल बना हुआ है। उधर से अपनाना चाहते हैं तो पहले उसके प्रति दुख दृष्टि करनी होगी, वैराग। वैराग का मतलब दुख दृष्टि, अनाशक्ति, ग्रहण करते हुए भी कोई आसक्ति ना हो। जैसे आप रोग लगने पर दवा का सेवन करते हैं, दवा चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, मजबूरी बस दवा का ग्रहण करते हैं, कभी बड़े प्रेम से खुश होकर आप दवा का सेवन नहीं करते, मजबूरी बस करते हैं, और ये चाहते हैं कि ये दवा खाना कब बंद हो, बार बार आप डॉक्टर से पूछते रहते हो कि डॉक्टर साहब कब तक खाता ना होगा, कब दवा तो खाना बंद करना होगा, अच्छी महंगी तो महंगी दवा है, बढ़िया मीठी दवा है तो भी आप पूछते हैं कि ये दवा खाना कब बंद करना होगा। ऐसी जीवन का सारा जो व्यवहार है दवा खाने के समान करें। शरीर निर्वाह के लिए जो भी ग्रहण कर रहे हैं औसत सेवन के करने समान करें तो आसक्ति नहीं बनी। महंगी से महंगी और मीठी से मीठी दवा आपने खाई है, आसक्ति बनी है उसके लिए? बड़ी मीठी दवा है, बड़ी महंगी दवा है, जिंदगी भर खाते रह जाते हो कितना बढ़िया होगा, कभी आपने सोचा? कोई आसक्ति नहीं है, खाते हैं तो मजबूर होकर के खाते हैं। ऐसे ही जीवन निर्वाह के जितने भी धंधे हैं, जितने भी व्यवहार हैं, दवा सेवन के समान करें तो कहीं मोह नहीं बनेगा, आसक्ति नहीं बनेगी, मन चिपकेगा नहीं, उधर से उदासीन, क्योंकि आदत है मन के, स्वभाव है मन का, जहाँ से मजबूरी उस जिस काम को मजबूरीवश करता है वहाँ चिपकता नहीं है, उसके लिए चंचल नहीं होता है। दया, जितने सद्गुण सहचार हैं वो सारे के सारे साधन जो कल्याण साधना के लिए उपयोगी हैं, प्रसन्नतापूर्वक उनको करिए, खुशी से आनंद से उल्लास साथ उनको करिए, और जीवन निर्वाह के जितने भी अन्य काम हैं उनको औसत सेवन समान मजबूरी वश करिए, फिर कभी आपका मन चंचल नहीं होगा। फिर यही मन जो आज हमारे दुख का भवसागर कारण बना है, कल्याण का भवसागर से पार करने का भी साधन बन जाएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानस्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानस्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानस्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम